अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अपना कुकिंग चैनल। तो चलिए आज हम लोग सहरी थोड़ा सा बना लेते हैं। देखिए मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ और काफ़ी अंधेरा हो रहा है क्योंकि बाकी लोग सो रहे हैं, तो मैंने सहरी बनाने के लिए नीचे जाना है। तो ये देखिए स्टेज से मैं नीचे चली जाऊँगी। काफ़ी खामोशी है क्योंकि अभी कोई भी उठा नहीं है। चलिए हम किचन तक आ गए हैं, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर स्टोव के ऊपर अपना पैन रख देंगे। और आज मुझे शामी कबाब के सैंडविच बनाना है, तो मैं इसी की प्रिपरेशन करूँगी। तो मैंने दो पैन लिए हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है कि शायद मुझे एग भी बनाना पड़े, तो इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल उस दूसरी तरफ भी गर्म कर लिया है। तो अब फ्रीज़र में से मैं शामी कबाब निकाल लूँगी जो कि मैंने पहले ही से बना के स्टोर कर लिए थे। और ये बहुत कन्वीनियंट होता है रात के खाने के लिए भी और सहरी के लिए भी। तो इसमें से मुझे जितनी ज़रूरत है मैं निकाल लूँगी। सिर्फ मैंने तीन ही निकाले हैं कि क्योंकि तीन ही लोगों की सहरी है, तो इसमें से मैंने ये तीन निकाल लिए। अब तेल थोड़ा सा गर्म होगा तब डालूँगी। इतनी देर में मैंने टोस्टर में ब्रेड भी डाल दिए ताकि ये टोस्ट हो जाए। जब टोस्ट हो जाता है तो अच्छे से जो है सैंडविच को होल्ड करता है। तो जब तक ये टोस्ट होगा फिर मैं शामी कबाब भी साथ साथ फ्राई कर लूँगी। देखिए ऑयल बहुत गर्म नहीं है लेकिन अच्छा खासा बबलिंग करना स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैं ये डालकर और इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और सहरी का टाइम कम होता है इसलिए थोड़ा मल्टीटास्किंग करना कर रही हूँ। तो अब इसमें मैंने थोड़े से स्ट्रॉबेरीज़ काट लिए हैं और स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छे आए हुए हैं आजकल। अब आप इसको देखिए मैंने काट लिया और मैंने थोड़ा सा क्रीम चीज़ भी निकाल के रखा है। अभी क्रीम चीज़ इस पर स्प्रेड कर दूँगी और फिर मैं इस पर शामी कबाब भी थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी। तो इस तरह मेरा सैंडविच बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये देखिए शामी कबाब बिल्कुल रेडी है। इसको हम निकाल लेते हैं किचन टावल के ऊपर ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। और क्रीम चीज़ भी मैंने इस पर लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर सैंडविच के ऊपर ये एक शामी कबाब रख के इसको मैंने प्रेस कर दिया और इसके साथ उसको पॉपर से मैं फोल्ड कर दूंगी। ये हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है। और इसके बाद जो है मैं साथ में चाय भी बना लूँगी जो कि मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई है। आज जैसा आप तो जानते हैं सहरी में चाय पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर सर में दर्द रहता है। और ये जो स्ट्रॉबेरी से ये थोड़े से टार्ट हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर फावड़ा शुगर डाल दिया है और तीन चार आमंड्स भी रख दिए हैं। तो जी हाँ ये रेडी हो गया बिल्कुल। चाय का कप नज़र नहीं आ रहा है, सॉरी। लेकिन ये देखिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए खाते हैं इसको, आप भी खाइए और सहरी की दुआ कर लीजिए, अपने दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे किसी नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।